गायत्री युवा हरियाणा गायत्री छोटी उम्र का हो सकता है, इसलिए आदमी के लिए बोलिए तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका अमरजीत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सप्लोर विद अमरीक। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बिग बॉस सीजन 2 यानी ओटीटी का सीजन 2 जो जीता है वो हमारे एल्विश भाई ने जीता है, यानी एल्विश यादव भाई ने। तो भाई एल्विश भाई ने रखा है आज मीटअप। तो भाई साहब हम आ रखे हैं गुरुग्राम के अंदर। तो भाई इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना कि जबान भी लड़खड़ा आ रही है भाई मेरी तो आज। तो भाई यहाँ पर है आज अभिनंदन वाला शो, तो चलो चलते हैं। हम वैसे उस तरफ है तो अभी हम अपनी बाइक पार्किंग कर रहे थे यहाँ पर, तो हमने बाइक भी खड़ी कर दी है। तो चलो जी चलते हैं। और इस बार जो चेकिंग है ना भाई साहब, और जो मैनेजमेंट इस समय करा है, मेरे को बाहर से इतना अच्छा लग रहा है, अंदर जाके पता नहीं क्या क्या होगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो इस बार फिर से अमन अपना है साथ। तो अमन, आर यू एक्साइटेड ना? बिल्कुल भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। चलो जी चले। तो दोस्तों अभी हम बिल्कुल फाइनली पहुंच चुके हैं, और ये वाली जो रोड जा रही है मदनता हॉस्पिटल की तरफ जा रही है, यानी गुरुग्राम से यहाँ पे आप जाके आगे हुडा सिटी सेंटर में जा सकते हैं। और ये है कुछ भाई ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। हर जगह भाई साहब देखो बोर्ड, ये एल्विश भाई की फोटो है, ये भाई साहब अभिनंदन समारोह के नाम से है, ये एल्विश यादव नीचे भी लिखा हुआ है, कितना बढ़िया भाई साहब। तो अभी यहाँ पर चेकिंग वैकिंग हो रही है, और चेकिंग करा के फिर चलते हैं, एंट्री ले लेते हैं। तो चलो जी चले। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर चेकिंग हो रही है, वो बाउंसर लोग जो है ना यहाँ पर एक दो तीन लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ पर चेकिंग हो रही है, फिर ही एंट्री हो रही है यहाँ से। और देखो जी फुल क्राउड है, अभी तो बाहर ही क्राउड है, और अंदर जाके तो भाई साहब लास्ट टाइम से अमन लास्ट टाइम जितना क्राउड था दिल्ली के अंदर अपने वाले, इस बार फुल भाई साहब रिकॉर्ड टूटने वाला है। देखो जी मज़ा आने वाला है। तो भाई अपनी चेकिंग हो गई है, अभी हम ले ली एंट्री यहाँ से। ये मेन गेट है ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, तो यहाँ से अभी हमारे को जाना होगा। तो भाई साहब ये है कुछ बाहर का नज़ारा, बहुत एक्साइटेड, मज़ा आने वाला है भाई, मज़ा एक नंबर। तो दोस्तों आप सिक्योरिटी चेक कर सकते हो, यहाँ से सारे जा रहे हैं फुल एक्साइटेड होके, फुल मज़े आ रहे हैं भाई। और जो क्राउड भागता हुआ जा रहा है ना इस समय, मतलब जल्दी से जल्दी यार कोई पहुंचना चाहता है कि भाई जल्दी से जल्दी देखे कि क्या होने वाला है अंदर, और फुल एक्साइटेड है हम तो भाई। स्टेज पर चल रहा है प्रिंस नरूला का सॉन्ग, क्योंकि प्रिंस नरूला आ चुका है, और अभी हम लाइनों में लगे हैं यहाँ पे। वाह यार 13 बजे से लेट हो गए हम। ओ भाई सो फुल एक्साइटेड, फुल कलोल मच रहा है भाई साहब, फुल साउंड सुनो। तो भाई अभी हम आ चुके हैं ये ग्राउंड में जो ताऊ देवीलाल है, तो भाई साहब मज़ा आने वाला है। और सामने ये स्टेज, तो अभी हम स्टेज के बिल्कुल पासों पास पहुंच चुके हैं। और क्राउड चेक करो जी आप, सिस्टम हैंग कर दिया भाई, पूरा सिस्टम हैंग कर दिया पूरा। और अभी हम बिल्कुल स्टेज के पास जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे को एल्विश भाई के मीटअप पर यार दो तीन अपने भाई मिले, यानी सब्सक्राइबर मिले, तो भाई हमारे को पहचान लिया। तो भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया। तो भाई यहीं के लोकल ही हो, तो कैसे लग रहा है भाई मीटअप पे आ गए? बहुत बढ़िया, सिस्टम हैंग कर दिया ना पूरा। तो भाई साहब एल्विश भाई के जीतने से सिस्टम हैंग हो चुका है, और यहाँ पर जो आज ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जैसे बुलाया गया है, तो भाई साहब सिस्टम हैंग हो रहा है। और प्रिंस भाई की परफॉर्मेंस चल रही है, आप देख सकते हो प्रिंस नरूला भाई। चलो गाइस चले। भाई प्रिंस नरूला भाई की परफॉर्मेंस चल रही है।
समारोह में आप पधारे, जहाँ से भी आए आप गाइस, हमारे मीटर खींच के मीटर खींच के सुबह इतना ज्यादा क्राउड है ना कि अभी हम एलिस भाई का वेट ही कर रहे हैं और पीछे हमारे लव कटारिया भाई साहब अभी स्टेज पर है और बहुत बढ़िया प्लीज जिसका भी ड्राइवर है नीचे करके जब्त किया जाएगा। थैंक यू सन्नी भाई, आप आए और समा बांध दिया रात का शाम का। पूरे शहर में तो रस तेरे यार का, गुलामी ना करे छोरा राव साहब का, तू दम की देन में चिस्ता फिरे, बोले नाम का भगत छोरा हार पाए का, करता है तो भाई हमें ना एलविस भाई के मेकअप पर भाई एक और भाई मिला है तो भाई अभी इन्होंने भाई ने ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा तो भाई बहुत अच्छी बात है भाई। तो भाई लोकल ही हो थैंक यू भैया, अगली बार ऐसे मिलते रह करेंगे ठीक है भाई। अभी आगे मेकअप को हम करें इंजॉय। ये सबसे पहले तो ये, दूसरा कोई भी अपना फोन और पर्स वर्स लेकर आया भाई अपनी जेब में रखो और वो जब भी पॉसिबल है जब थोड़ा खुला खुला खड़े हो गए तुम लोग ठीक है। देखो वहाँ पे कितनी स्पेस है, पीछे पीछे बहुत स्पेस है आगे थोड़ा समझ जाओ यार, थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ। एक बात मान के तो देखो, समा बांध दे, मां कसम समा बांध देंगे। ये देखो जा।
भाई सीएम सर आए हैं तो इतना ज्यादा क्राउड आ गया है और सबके सब जैसे यार वीडियोस ले रहे हैं ना, वीडियोस क्लिप से शूट कर रहे हैं। देखो अभी तक सारे के सारे ऐसे बैठे हुए थे लेकिन यार अब सारे एक साथ आ गए हैं। भाई साहब क्राउड देख रहा है, पब्लिक हो गई है, पागल हो गया भाई। सीएम सेम आ गया भाई, एचआर के सीएम यानी हरियाणा के सीएम, तो उनके एक्साइटमेंट के लिए बाकी आगे आगे सब होंगे। चेक करो सब आगे आगे। हेलो भाई, कैसे हो सारे? तीस दिन बाद आए मैं बाहर, है थोड़ी भाई की चिंता, बढ़िया सिस्टम है। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला मेरे लिए इस मीटअप के लिए। पिछली बारी मैं मौजूद नहीं था रोहिणी में जो हमारा मीटअप हुआ था, बट उसकी कमी आज आप लोगों ने पूरी कर दी। और इस अभिनंदन समारोह में अपना आशीर्वाद देने पहुंचे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां और इनके स्वागत में भाई तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां। हमारे हरियाणा का यूथ हर फील्ड में आगे जा रहा है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे हमारी इंडियन आर्मी हो, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी फील्ड हो।
मैं जीतने के बाद मुख्यमंत्री जी से मिला, इन्होंने मेरा जोश दोगुना कर दिया। मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं एक प्रोग्राम रखना चाह रहा हूँ सर, तो इन्होंने खुद से बोला कि जरूर आऊँगा मैं भी। मैंने एक छोटा सा पूछा था कि सर आ जाऊँगा आप, इन्होंने एक बार हमारे देश के लिए, हमारे देश के लिए आप दो शब्द बोला। भाई मेरे नौजवान ने सवरा राम राम बोलो, राम राम भारत माता की, भारत माता की। भाई सबसे पहले तो मैं अपने इस नौजवान साथी एलवेश यादव को और मैंने विराम पांड्या थे, एलवेश यादव को आप राव साहब कहते हैं ना भाई, अपने इस राव साहब को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना इसके लिए, बहुत शुभकामना। हरियाणा में प्रतिभाएं बहुत है, टैलेंट बहुत है, और एलवेश जैसा टैलेंट कभी कभी मिलता है, इस टैलेंट का मैं सम्मान करता हूँ। भाइयों को आज का ये देश, अपना ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है, अपने को पता है। आप लोगों की ट्रॉफियां मैं अपने साथ भी लाया हूँ, एक बारी ये ट्रॉफी जो एलवेश भाई को मिली है, ये एलवेश भाई को देते हुए मैं इनको कहता हूँ, जनता को समर्पित करें, इन युवाओं को समर्पित करें ये ट्रॉफी आज से युवाओं की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय ने अभिनंदन समारोह में और भी इसको भेंट कर दिया। युवा को पूरी दुनिया में ये बता दिया है कि बिग बॉस जीतने वाला एकमात्र युवा हरियाणा का इतनी छोटी उम्र का हो सकता है, इसलिए आज इसके लिए बोलिए सिस्टम सिस्टम एलविश आ जा छा जा। अब सारे जने चक्कर की मार दो, तो एक गाना एलविश भाई मेरी तरफ से सुनाएगा, छोरे हरियाणा वाले बाहर देंगे लटे फाइनली पैराडॉक्स भी आ चुका है, जो सिंगर हैं ये देखो जी चलाने वाले हैं पीता
की जोड़ी आज मैं से आंगड़ी ये बावड़े कोड़ी तंगी पांच बच्चे छोड़ी मन्ना लौटड़ी पड़े मंगल गाने से पीसा सोसी खोल सोमवार है मिया ना बंदे कसे रंग नावत आए आशी में दिखे जो आदमी साता ऐ कर रहे हैं पंची पाए दर सुनने पाए रखे कभी चाहे हम रोलू आते सही करने करे तेरा बच्चे समझे जीवन बच्चे सारे ना भी हो Yeah,
से फेमस आ रहा है हमारे साथ एक हमारा रणदीप भाई सिस्टम पार लेना वीडियो में 5 लाख चले जाने दिए सिस्टम तोड़ दो लाइक भाई दिल से खुशी हो रही है एलविस भाई जीते उन्होंने जो ट्रॉफी दी ना वो पब्लिक में भाई बिल्कुल और सीएम सीएम भी आए थे भाई सीएम को चले भाई साहब और तू आज बता भीड़ कितनी होगी कितने काउंट कर देख लो 2 लाख से ऊपर की भीड़ इस बात की तो गारंटी है 8 बजे का करीब तो उनको भी हमने देखा थोड़ा दूर से देखा क्योंकि यार इतना ज़्यादा क्राउड था ना पास हो जा नहीं सकते अपनी कोई पर्सनल रिलेशन तो है नहीं जाओ चलो जाए इस स्टेज पे चले जाएँ पर ठीक है जितना दूर से देखा बहुत मज़ा आया और अभी हम भी यहाँ से घर जाएंगे लेकिन अभी यहाँ पर जितनी भीड़ है भाई साहब अभी भी मतलब खड़े हैं कि शायद हमारे जो एल्विस भाई वो सबसे मिले एक बार या हम फोटोज़ करवा पाएँ पर भाई बहुत मज़ा आया क्यों अमन तेको मज़ा आया मज़ा तो आया लेकिन पब्लिक पागल कर दी ना ये देखो भाई वहाँ पे देखो सब के सब चिल्ला रहे हैं कि भाई सिस्टम 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 भाई साहब अलग ही बंदे हैं तो चलो चलते हैं एक बार इनसे बातचीत करते हैं बाहर कि भाई इनको कैसा लगा फंक्शन आज का तो भाई साहब आज के मीटअप पर फुल सिस्टम हैंग कर दिया जैसे कि ये देखो भाई तो दोस्तों ये थे भाई साहब इतना ज्यादा क्राउड ये तो एक नॉर्मली 1% भी नहीं थे पर अगर आप मानो 100% कितना ज्यादा क्राउड होगा आप देखो जहां तक आपकी नजर जाए सारा ग्राउंड था यार और ये सारा ग्राउंड यार पूरा भरा हुआ था पूरे लोगों के साथ क्राउड था ये भाई साहब आज का दिन बहुत ज्यादा खतरनाक और जो इतने भाई मिले ना सारे यार एल्विस भाई के सच्चे फैन है भाई सच्चे फैन जिनको बोलते ना भाई एक आवाज भाई ने एक एल्विस भाई ने जैसे स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पर और सबके सब आए तो भाई बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है वहां पर अभी भी देखो यार सबके सब अभी भी चिल्ला रहे कि भाई एल्विस भाई सिस्टम और भाई तो भाई यहाँ के सारे भाई एक नंबर है भाई हरियाणा भाई के भाई थैंक यू भाई। सो भाई अभी एल्विस भाई भी यहाँ से जा चुके हैं यानी जो ये ग्राउंड में उनका परफॉर्मेंस था वो भी एक हो गई और जितने सिंगर्स आ रखे थे पैराडॉक्स प्रिंस नरूला हमारे हरियाणा के जैसे सीएम तो सब के सब जा चुके हैं
तो दोस्तों अब हम भी घर जा रहे हैं यहाँ से। तो अभी तो आपको अभी तक ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लाइक कमेंट जरूर करिएगा वीडियो पर, और एक बार यार कमेंट जरूर करिएगा जिसमें आप सिस्टम सिस्टम लिख रहे हो प्लीज़। सिस्टम भाई एक बार कमेंट जरूर कर देना, और मिलते हैं आपको अपने ऐसे कुछ बढ़िया से वीडियो में। सो टेक केयर, टाटा बाय बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्या है भाई एक बार दोबारा हो जाए सिस्टम। सो बाय बाय, चलते अब अपने घर। सो टेक केयर, टाटा बाय बाय।